नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एन बीपीएससी विद के। आज है 22 जून 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू कर दिया गया और इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश ने बनाया है पूरे भारत में सबसे टॉप रिकॉर्ड। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश लगातार काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहा है और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा टीकाकरण के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया और लगभग पूरे भारत देश में सबसे अधिक टीकाकरण एक दिन में हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में किया गया है। तो कितना टीकाकरण यहाँ पर किया गया उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ से टीका महाअभियान की शुरुआत की। जैसा कि आपको मालूम हो, मैंने लास्ट डे के करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है और उसी के अंतर्गत यह महाअभियान कहाँ से शुरू किया गया है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट फॉर दिस पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न है और भारत रत्न के साथ साथ दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और इसके साथ साथ मध्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और मध्य प्रदेश से सांसद भी रहे हैं, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर एक है भोपाल में, ग्वालियर में, ओरछा में या फिर इंदौर में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। कहां पर किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वविद्यालय है, हिंदी विश्वविद्यालय, वहां पर किया गया दोस्तों। ग्वालियर, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और ग्वालियर में इनके नाम पर दोस्तों संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संग्रहालय कहां पर है तो ग्वालियर, जन्म कहां पर हुआ तो ग्वालियर, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका जो आपका मूर्ति है वह कहां पर लगाई गई है तो वह भोपाल में लगाई गई है। यह अनावरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो यह अनावरण किया गया है माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। दोस्तों राज्यपाल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, आनंदीबेन पटेल एमपी के साथ साथ कहां की राज्यपाल है? यूपी की भी राज्यपाल है, तो यह भी आपको याद रखना है। ओरछा के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा दोस्तों। ओरछा, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है दोस्तों कि ओरछा को लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत चुन लिया गया है दोस्तों। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह लैंडस्केप कार्यक्रम है और लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत दोस्तों ओरछा को क्या बना दिया गया है? ओरछा को बनाया गया है दोस्तों आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किन दो शहरों को शामिल किया गया है दोस्तों? ओरछा को शामिल किया गया है और उसके साथ में ग्वालियर को भी किया गया है। अर्बन लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया, तो यह भी याद रखना है दोस्तों। इंदौर, सभी को मालूम है, लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है और भारत में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है दोस्तों? स्वच्छता सर्वेक्षण में 3रा स्थान रहा है। याद रखना है, भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का मध्य प्रदेश का क्या स्थान है? 3रा स्थान, और लगातार टॉप पर कौन रहा? इंदौर रहा, और सबसे स्वच्छ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में राजधानी कौन रही? भोपाल रहा। और किन्नरों का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव था, आपके उज्जैन के किन्नर थे, उनका नाम क्या था? बधाई के साथ साथ सफाई, बधाई से सफाई, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसको भी अवार्ड दिए गए थे, उज्जैन का किन्नर समुदाय का यह इनिशिएटिव था, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर एक है ग्वालियर, दो ऑप्शन नंबर छतरपुर, ऑप्शन नंबर 3 सागर, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर एक ग्वालियर में किया गया है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है आपके स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और प्रथम बार भारतीय संस्कृति के बारे में इन्होंने पूरी दुनिया को अवगत कराया था, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सागर, सागर में दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसका नाम क्या था दोस्तों? सागर यूनिवर्सिटी था। और वर्तमान में किसके द्वारा इसे इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हरि सिंह द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रख दिया, और यह मध्य प्रदेश की प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं यहाँ पर हम, योग वर्तमान चुनौतियों का सामना करने का सबसे कारगर तरीका है, राष्ट्रीय गौरव व स्वाभिमान का प्रतीक है, अटल जी और स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, राज्यपाल श्री पटेल ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया है दोस्तों, और श्रीमती पटेल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम को ऑनलाइन राजभवन लखनऊ
लखनऊ से संबोधित कर रही थी। तो मैंने आपको बताया था एमपी के साथ साथ यूपी की भी यह कौन है और राज्यपाल है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वाधिक कितने लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए, वो भी वैक्सीनेशन के प्रथम दिन में, और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है हमारे मध्य प्रदेश का पूरा आपका रिकॉर्ड बनाया है। पूरे भारत में सबसे अधिक वैक्सीनेशन एक दिन में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर एक है 15 लाख टीके, 20 लाख, 12 लाख टीके, 13 लाख टीके, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर एक 15 लाख टीके लगाए गए हैं। दोस्तों 10 लाख टीके का लक्ष्य रखा गया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, और उसे हम क्रॉस करते हुए 15 लाख टीके अर्थात 15 लाख लोगों को मात्र एक दिन में वैक्सीनेशन कर दिया गया, और यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है किसी राज्य का, तो जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने कहां कहां पर रिकॉर्ड बनाए हैं, इन सबको मैं आपको यहां पर डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान आपने देखा तीसरे नंबर पर था। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस की रैंकिंग बनाई जाती है किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा, उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान था, चौथा स्थान था। प्रथम पर कौन था, आंध्र प्रदेश था। इसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों रोड एक्सीडेंट से संबंधित जो बनाया जाता है डाटा पुलिस द्वारा दिया जाता है IRDA जिसे बोला जाता है, उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा दोस्तों। सेकंड प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश क्या रहा दोस्तों, सेकंड नंबर पर रहा दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आपका केंद्र गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई थी स्ट्रीट वेंडर योजना, कब शुरू की गई थी दोस्तों, 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, और मध्य प्रदेश में इसे 6 जून 2020 को लागू किया गया था, और इस योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश क्या रहा, नंबर वन रहा, तो यह भी आपको याद रखना है। रोजगार पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था 2020 में मई महीने में किया गया था, तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। रोजगार पोर्टल बनाने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था, तो इसको भी आपको याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मातृ वंदना योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2017 में इसे शुरू किया गया था, इसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश क्या रहा है, नंबर वन रहा है। और गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश नंबर रहा, कितना गेहूं उपार्जन हुआ दोस्तों, 129 point something metric ton मध्य प्रदेश द्वारा गेहूं उत्पादन किया गया, जो कि भारत में सबसे टॉप है, पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया है गेहूं उपार्जन में, तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक 15 लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए। प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करना हमारा संकल्प, मुख्यमंत्री जी ने कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शासकीय अमले सहित समाज के सभी वर्गों तथा जनता का आभार माना, 5 लाख अतिरिक्त डोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद भी कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से किया टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। तो अभी हमने देखा कि 15 लाख टीके लगाए गए, परंतु इस जो महाअभियान है 21 जून को शुरुआत कहां से की गई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर एक है दतिया से, ऑप्शन नंबर दो शिवपुरी से, भिंड से, या फिर मुरैना से। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, वन एंड ओनली दतिया से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा टीकाकरण का महाअभियान का शुभारंभ किया गया। दतिया क्यों फेमस है दोस्तों, यहां पर है आपका मां पीताम्बरा जी का मंदिर, और यहीं पर दर्शन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी शुरुआत की। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सोनगिरी, याद रखिए दोस्तों सोनगिरी जैन तीर्थ क्षेत्र है, कहां पर है दोस्तों, दतिया में, इसको भी आपको याद रखना है। शिवपुरी देखेंगे आप, शिवपुरी में क्या लगता है दोस्तों, पीर बुधान का मेला, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भिंड दोस्तों, भिंड मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात, कितना, 837, मात्र 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं, कहां पर है, भिंड में। और मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे कम बाल लिंग अनुपात कहां का है, मुरैना का है। और मध्य प्रदेश का सबसे कम शहरी लिंग अनुपात कहां का है, वो भी मुरैना का है, आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दतिया से किया टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दतिया जिला मुख्यालय पर टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ कर वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षा कवच है, इसे आप भी लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें प्रेरित करें। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज दतिया मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और बेहतरी स्वास्थ्य की प्रार्थना की। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो वैक्सीनेशन है उसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आपके क्वेश्चन। कोविड-19 के दौर में भी पिछले एक वर्ष में प्रदेश में कितने बड़े उद्योग स्थापित
स्थापित हुए 7, 10, 5 या 3। मैंने आपको पूरा तरीके से डीपली तरीके से बताया था कि मध्य प्रदेश में कितने उद्योग स्टेब्लिश हुए हैं कोरोना के दौरान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लैंड पुलिंग योजना किस इन्वेस्टमेंट रीजन से संबंधित है? पीतमपुर धार, मंडीदीप कहाँ पर है दोस्तों? यह रायसेन में है। बाबई कहाँ पर है? होशंगाबाद में। और यहाँ पर काफ़ी अधिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, स्पेशली आपके डॉक्टरी जो इक्विपमेंट है उनके क्षेत्र में। कहाँ पर? बाबई। यहाँ पर आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी जन्म हुआ था, तो यह भी आपको याद रखना है। तो बाबई दोस्तों, बाबई में, बाबई मुहासा, यह जो दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं। और यहाँ पर काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं, जैसे कि बालक ड्रग सेंटर, आपका लॉजिस्टिक हब भी यहाँ पर डेवलप करने का प्रोग्राम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे में कितने औद्योगिक केंद्र विकसित करने के लिए कंसलेट की नियुक्ति की गई है? तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। दो प्रमुख आपके एक्सप्रेस वे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, और दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा दोस्तों नर्मदा एक्सप्रेस वे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपना PDF लेना ना भूलें। धन्यवाद।